जेनर एंड क्रास ये वी स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर विच इज़ फाइबर टू फैब्रिक नाउ वी स्टार्ट पहलियन भूजो वन द फर्स्ट प्राइज इन दाइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड आर दर स्कूल दे वो वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लर्ट्स फॉर देयर पेरेंट पहेलियन भूजो स्कूल में साइंस क्विज कॉम्पिटिशन होता है उसमें फर्स्ट प्राइज पा फर्स्ट प्राइज फर्स्ट प्राइज़ जीतते हैं दे वो वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज़ मनी टू बाई क्लोथ फॉर देयर पेरेंट वो डिसाइड करते हैं कि वो प्राइज़ मनी को यूज़ कर लेंगे यूज़ करेंगे टू बाय अ क्लॉथ फॉर देयर पेरेंट अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीद के वेन दे सॉ अ लार्ज वराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज वो शॉप में जाते हैं एज यू सी इन द फिगर थ्री पॉइंट वन शॉप में जाते हैं वराइटी ऑफ क्लॉथ देख कर वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कन्फ्यूज uh, हो जाते हैं दैन द शॉप कीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ और फैब्रिक वर मेड वर मेटअप ऑफ कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक तब शॉप कीपर उनको एक्सप्लेन करता है हेल्प करता है कि यहाँ पे सम काइंड ऑफ क्लॉथ्स हैं या फैब्रिक हैं जो कि कॉटन के हैं समर सिंथेटिक ही ऑल्सो हैड वुलन माफलर उनके पास वुलन माफलर्स और शॉल्स भी हैं दे वो मेनी सिल्क साड़ीज़ वहाँ पर बहुत सारे सिल्क साड़ीज़ भी हैं एज वेल well. पहलियन बूजो felt very excited पहले और वो जो बहुत सादा excited होते हैं they touched and felt these different fabric वो ये different kind of fabrics जो होते हैं उनको touch करते हैं उनको feel करते हैं they bought a woolen muffler and a cotton and finally वो एक woolen muffler और cotton की साड़ी buy करते हैं और घर चले आते हैं after their visit to the cloth shop पहले तो इन बुज़ों begin to notice various fabrics in their surrounding आफ्टर विज़िट जो शॉप से विज़िट करके जब वो घर वापस आते हैं तो उसके बाद वो अपने सराउंडिंग्स में जितने भी फैब्रिक होते हैं उन्हें वो नोटिस करना शुरू कर देते हैं दे फाउंड दैट वो क्या पाते हैं उनके बेडशीट ब्लैंकेट कर्टन्स टेबल क्लॉथ टावल और जितने भी उनके सराउंडिंग्स में कपड़े होते हैं फैब्रिक होते हैं वो उसको नोटिस करते हैं डस्टर्स वो मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फ़ैब्रिक वो सारे जितने भी फैब्रिक हैं वो सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फ़ैब्रिक से बने हुए सारे क्लॉथ हैं जो उनके सराउंडिंग्स में है इवन दे स्कूल बैग्स इवन जो आपके जो स्कूल बैग्स होते हैं जो गनी बैग्स होते हैं जूट बैग्स होते हैं गनी बैग इज़ ऑल्सो नो एज़ जूट बैग और काइंड ऑफ बैग ठीक है वो आर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ़ फैब्रिक ये सब भी एक काइंड ऑफ फैब्रिक से बनते हैं और वो डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक होता है ठीक है उसको हम पहनते नहीं हैं अब स्कूल बैग का जो फैब्रिक होता है क्या उससे हम कपड़े पहन सकते हो कितना कितना रश कितना थिक होगा कितना मोटा होगा तो हाँ हमारी स्किन के लिए वो सूटेबल नहीं होगा हमको स्किन रशेज़ हो जाएंगे तो दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक कॉटन वूल सिल्क सिंथेटिक वो कोशिश करते हैं सारे फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई करने की क्या आप भी कर सकते हो कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स वरायटी इन फैब्रिक्स हमारे पास डिफरेंट वरायटी इन फैब्रिक्स अंडर दिस टॉपिक वराइटी इन फैब्रिक वी हैड लॉट ऑफ फैब्रिक ठीक है हमारे पास बहुत सारे फैब्रिक होते हैं जैसे कि वूल कॉटन सिल्क नायलॉन रेन बहुत सारे बहुत सारे वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स होते हैं कुछ हमारे नेचुरल फैब्रिक होते हैं और कुछ हमारे सिंथेटिक फैब्रिक होते हैं जैसे कि एक्टिविटी वन में शो किया गया है एक्टिविटी अंडर एक्टिविटी शो ये बोला गया है कि आप टेलर की शॉप पे जाओ उसके पास जो बचे हुए कपड़े होते हैं उसको वो बचे हुए कपड़े को कलेक्ट करो तो आपको बहुत सारे कपड़े मिल जाएंगे कुछ टेलर के पास होते हैं कुछ कपड़े कॉटन के होते हैं कुछ नायलॉन के होते हैं कुछ सिल्क के कपड़े आते हैं ये आपके घर में भी होंगे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ कपड़े जिन्हें आप टच करके फील करके आइडेंटिफाई कर सकते हो ठीक है इन एक्टिविटी टू सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक लेवल्ड इन एक्टिविटी वन ओके इन एक्टिविटी टू में क्या है आप एक कॉटन का फैब्रिक लो और उसका जो आ, एज होता है कॉटन फैब्रिक का वो बेसिकली क्या होता है जितने भी फैब्रिक होते हैं उसमें एक फिनिशिंग दी हुई होती है ठीक है उसका एज भी एकदम प्रॉपर फिनिशिंग हुई होती है वहाँ पे पीको हुआ होता है या आप उसको सिल के अच्छे से उसको कवर करे रहते हो कि वहाँ से थ्रेड बाहर ना आए और जहाँ पे वो फिनिशिंग नहीं होती वहाँ से थ्रेड निकल रहे होते हैं ठीक है थीके? तो वैसे ही इस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है कि नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज़ थ्रेड और यान आप ऐसा ही पीस ऑफ क्लोथ लो उसमें से जो लूज थ्रेड और यान हो उस एज से उसे निकालो खींचो ज एज यू सी इन द फिगर थ्री पॉइंट थ्री पुलिंग अ थ्रेड ड्रामा फैब्रिक समझ में आ ही रहा होगा कैसे करना है ठीक है तो ये जो ये वो थ्रेड खींच रहे हो उसे यान कहते हैं ठीक है यू कैन जेंटली पुल आउट विथ आ पिन और अडन ओके तो आप जेंटली उसे पुल कर सकते हो और वो जो थ्रेड खींच रहे हो उसे क्या कहते हैं यान कहते हैं और

टेक आउट अ यान फ्रॉम अ पीस ऑफ ये भी वाई एक एक्टिविटी आपको समझाने की कोशिश की गई है टेक आउट अ यान फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन हम एक यान निकालते हैं कॉटन से ठीक है आज़ यू सीन अबव फिगर थ्री पॉइंट वन प्लीज दिस पीस ऑफ यन ऑन दैट टेबल नाउ प्रेस वन एंड यान जो भी इसमें प्रोसेस दिया वो आप इसको प्रोसीड करो और uh, अदर देन दैट आप जैसे कि आप थ्रेड डालते हो निडल में यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल आप ऐसे ही कुछ जो ये एक्टिविटी थ्री में दिया हुआ है फर्स्ट पैरा में वैसे ही आप कुछ आ, फील करते हो जब आप थ्रेड डाल रहे होते हो निडल में सुई के जो होल होता है सुई उसमें जब आप थ्रेड डाल रहे होते हो तो कभी कभी क्या होता है उसके जो थ्रेड का एज होता है वो स्प्लिट हो जाता है ना और छोटे छोटे थिनर जो यान होते हैं उसमें स्ट्रैंड होते हैं उसमें वो स्प्लिट हो जाता है ठीक है तो वो एक छोटा सा एक एक पतला सा धागा भी अगर आप गौर से देखो तो वो उसके अंदर भी कितने सारे वो टेल बनी होती है वो भी यान से बना होता है उसमें भी स्ट्रैंड होते हैं बहुत सारे ठीक है तो वो एक धागा जो है उसे हम क्या कहते हैं उसको हम यान कहते हैं और वो यान भी जो स्ट्रैंड होते हैं उसके अंदर वो भी फाइबर से वो भी फाइबर से बने होते हैं तो यू कैन से दैट ना मेनी टाइम इन द दिनर स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड जो भी वो एक एक सिंगल धागा है उसके अंदर भी छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रैंड होते हैं वो भी किससे फाइबर से बने होते हैं तो फैब्रिक आर अप ऑफ यान जो फैब्रिक होता है वो यान से बना होता है एंड यान फर द अप ऑफ फाइबर और जो यान होता है वो भी फाइबर से ही बना होता है से वेयर डू दीज फाइबर्स कम्स फ्रॉम ये जो फाइबर्स होते हैं ये हमको कहाँ से मिलते हैं द फाइबर्स ऑफ सम फाइबर्स सच एज कॉटन जूट सिल्क एंड वूल्स आर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल ये इन दिस स्टैंड एक्सप्लेन किया गया है कि हमको फ़ाइबर कहाँ से मिलते हैं फाइबर के काइंड ऑफ़ फ़ाइबर्स क्या होते हैं कैसे फाइबर्स होते हैं नेचुरल फ़ाइबर होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं और नेचुरल फ़ाइबर क्या नेचुरल फ़ाइबर्स का सोर्स क्या है सिंथेटिक फाइबर को हम कैसे हमको मिलता है सिंथेटिक फाइबर के अंदर कौन से फ़ाइबर्स आते हैं कौन से फैब्रिक आते हैं तो ये सब हमारा इस स्टैंडर्ड के अंदर शो किया गया है तो आपको हम एज अ कंक्लूडेड पॉइंट में बताते हैं कंक्लूडेड पॉइंट क्या है फाइबर uh, है सॉरी फैब्रिक है फैब्रिक क्या होता है कॉन्टीन्यूस पीस ऑफ क्लोथ होता है ठीक है जनरली यूज एज अ ड्रेस मटेरियल इट इज़ कॉल्ड फैब्रिक वो फैब्रिक होता है ना जो कोई भी कपड़ा जो कोई भी थान होता है वो पूरा क्या होता है फैब्रिक होता है और वो क्या होता है कॉन्टीन्यूस पीस ऑफ क्लोथ होता है एक लंबा कपड़े कपड़े का पीस होता है जनरली यूज एज अ ड्रेस जो कि हम ड्रेस बनाने में यूज़ करते हैं उसे हम फैब्रिक करते हैं फैब्रिक कहते हैं ठीक है और ये फैब्रिक डिफरेंट डिफरेंट फाइबर के होते हैं कॉटन के भी फाइबर के होते हैं कुछ सिल्क के होते हैं इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट फाइबर के होते हैं तो फाइबर अंडर फाइबर क्या आता है काइंड ऑफ फाइबर दो तरीके के फाइबर होते हैं नेचुरल फाइबर होते हैं और सिंथेटिक फाइबर होते हैं नेचुरल फाइबर क्या होते हैं फाइबर फॉर कॉटन वूल सिल्क एंड जूट फाइब्रिक आर फ्रॉम प्लांट और एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर तो जो फाइबर नेचुरल फ़ाइबर होते हैं वो कॉटन होते हैं सिल्क होते हैं जूट होते हैं ये हमें एनिमल और प्लांट से मिलते हैं इसलिए ये क्या होते हैं बेसिकली नेचुरल फ़ाइबर होते हैं और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं फ़ाइबर्स फॉर पॉलिस्टर नाइलॉन ये जो फैब्रिक होते हैं ये केमिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं केमिकली डराइव्ड किए जाते हैं ये प्लांट या एनिमल से नहीं मिलते हैं तो इन्हें सिंथेटिक फाइबर कहते हैं ठीक है अब नेचुरल फाइबर नेचुरल फ़ाइबर के जो सोर्स होते हैं वो पहला होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल तो प्लांट से हमें कौन से फाइबर मिलते हैं प्लांट से हमें कॉटन मिलता है जूट मिलता है सम प्लांट फाइबर्स शो कर करें ना एज़ यू नो एज़ यू सी दैट इन थ्री अंडर थ्री पॉइंट थ्री स्टांजा क्या है नेचुरल फ़ाइबर कौन से होते हैं सॉरी प्लांट फाइबर कौन से होते हैं जो जो प्लांट्स हमें मिलते हैं वो कॉटन होते हैं जूट होते हैं कॉटन को भी ड्राइव करने का और उसको भी प्रॉपर उसका जो एक प्रोसेस होता है वो हम आपको आगे बताएंगे जूट का भी एक फर्दर प्रोसीजर होता है कैसे हमें जूट प्लांट से हम उसको अलग करते हैं कैसे उसकी वो लेयर बनाते हैं ये सारा प्रोसीजर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो ये हमारे कहाँ से ये प्लांट फाइबर से हमको मिलता है और एनिमल फाइबर से हमें क्या मिलता है फूल मिलता है सिल्क मिलता है वूल हमें शिप से मिलता है सिल्क हमें कोकून से मिलता है ठीक है और दीज फाइबर्स विच आर फाउंड ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स जो वूल और सिल्क होते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं स्किन एनिमल के स्किन से मिलते हैं ना एनिमल के स्किन से हम उसको निकालते हैं या एनिमल से हमको मिलते हैं सो दिस इज कॉल्ड एनिमल फाइबर